पोचे उंगली। मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोचे उंगली एक गाँव का नाम है जो आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में है। लेकिन जिस पोचे उंगली की आज हम बात करने वाले हैं, वो पोचे उंगली एक टेक्सटाइल फॉर्म का नाम है। और जो वो टेक्सटाइल फॉर्म है या कपड़े का जो फेमस फॉर्म, कपड़े की जो फेमस फॉर्म है, पोचे उंगली ईद, जो कहाँ पर फेमस है, पोचे उंगली गाँव में फेमस है। वो पोचे उंगली गाँव कहाँ पे है, 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम हैदराबाद। सबसे पहले आप समझिए कि जब 2014 में हमारे जो कंट्री का स्टेट था आंध्र प्रदेश गॉट डिवाइडेड इनटू टू स्टेट्स नेम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। क्लियर? हमारा जो कंट्री में जो स्टेट था आंध्र प्रदेश, इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू स्टेट्स ऑन 2 जून 2014। फर्स्ट नेम इज आंध्र प्रदेश, सेकेंड इज तेलंगाना। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी अबाउट द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना? कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती और तेलंगाना इज हैदराबाद। क्लियर? तो बच्चों, पोचे उंगली 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन डिवीजन के बाद ये जो टेक्सटाइल फॉर्म है पोचे उंगली, वो कहाँ की हो गई है, तेलंगाना की। तेलंगाना से 40 किलोमीटर दूर हमारा एक गांव है जिसका नाम पोचे उंगली है। वहां पर एक फेमस टेक्सटाइल फॉर्म है जिसको हम कहते हैं पोचे उंगली। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पोचे उंगली की अगर हमें एक साड़ी बनानी है तो उसमें कितना दिन लगता है, तो वहां के जो बुनकर होते हैं, वीवर्स जो हैं, वो वीविंग टाइम लेते हैं 40 डेज का। यानी कि अगर आपको एक पोचे उंगली की साड़ी चाहिए तो आपको कितने, अगर उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, 40 डेज का। और आपको पता है कि इसको पोचे उंगली ईद के कारण ही 10 विलेजेस टाइटल एज टूरिस्ट विलेज बाय UN। क्लियर? सो आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फेमस टेक्सटाइल फॉर्म्स हैं, उन्हीं में से आज हम 5 टेक्सटाइल फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले है फुलकारी, जैसा कि आपको पता है, ये देखिए आपको इस पिक में दिख भी रहा होगा कि जो फुलकारी है, फुलकारी इज काइंड ऑफ अ दुपट्टा, मतलब फुलकारी जो होते हैं फूलों से बनी हुई, उसमें एक कढ़ाई होती है। और वो जो फेमस फॉर्म कहाँ की है, पंजाब की। अगर आपको कहीं, मान लो आप पंजाब कभी घूमने आए ना, पंजाब में आपको अगर कोई भी यहाँ की फेमस कोई भी कढ़ाई या फिर फेमस कपड़ा खरीदना है तो वो फुलकारी, उस पर पैटर्न बना होगा। चिकनकारी, आप सबको पता है चिकनकारी कहाँ पर फेमस है, लखनऊ में, है ना, यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट इज बंधनी। आपको बंधनी जो है वो एक टेक्सटाइल फॉर्म फेमस है गुजरात, कहाँ पे फेमस है, गुजरात में। उसके बाद मैसूर सिल्क कर्नाटका, कुल्लू शॉल्स हिमाचल प्रदेश। एक बार फिर से हम इसका आपको एक रिव्यूजन ले लेते हैं। आज की वीडियो में मैंने बताया कि पोचे उंगली एक टेक्सटाइल फॉर्म है जो फेमस है। अब आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे है पोचे उंगली विलेज, तेलंगाना में, हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर है। इस विविंग टाइम जो होता है, अगर आपको एक साड़ी बनवानी है, यहाँ के जो वीवर्स है वो बनाएंगे तो वो बोलेंगे हमें 40 डेज लग जाते हैं एक साड़ी को बनाने में। और कुछ फेमस टेक्सटाइल फॉर्म्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया है, फुलकारी पंजाब में, चिकनकारी यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में, बंधेज की साड़ियाँ जो होती है वो गुजरात की फॉर्म है। गुजरात में आप जाएंगे तो बंधेज यानी एक पर्टिकुलर डिजाइन फॉर्म है बंधेज। मैसूर सिल्क जो है वो कर्नाटका में, और कुल्लू शॉल्स जो है वो
हिमाचल प्रदेश में।